क्वेश्चन है, ए सोर्स इमिट एंड साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्स बट द लिसनर हियर इट टू बी 390 हर्ट्स देन। फर्स्ट ऑप्शन देखा है, द लिसनर इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, द लिसनर हैज डिफेक्टिव ईयर। तो क्या है, जो सोर्स है वो क्या कर रहा है, वी 400 न्यू हमारे पास दे रखा है 400 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस कर रहा है, पर जो ऑब्जर्वर है न्यू डेस्क वो इसको सुनाई दे रही है 390 हर्ट्स। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो लिसनर है मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, जो लिसनर है ये क्या कर रहा है, इस तरफ मूव करता जा रहा है। ओके क्योंकि बिकॉज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिसनर जो है वो अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करेगा। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, द लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज होगी, देन डिस्टेंस इंक्रीज देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। जब तक डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक रूल भी होता है, जब ऑब्जर्वर होता है अवे द सोर्स मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। और जब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स मूव करता है तो डिस्टेंस डिक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो डिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके अवे में, और टुवर्ड्स में क्या होता है, टुवर्ड्स द सोर्स मूव करे ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द सोर्स। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ओके तो आंसर क्या आ जाएगा, द लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स।